तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इस टी एच ई को द पढ़ें या दी पढ़ें। तो इस बहुत आसान है, जब भी टी एच ई के बाद कोई वोवल साउंड आता है तो हम उसको दी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर दी एंड। उसी तरह से अगर इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उसको हम द पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल द हिमालय एंड सो ऑन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे इस चैनल आशा की क्लास को सब्सक्राइब करिए।